हेलो फिफ्थ क्लास, लेट्स स्टार्ट योर मैथ चैप्टर 10 सिंपलीफिकेशन, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। आपको देखिए करना क्या है, इस तरह से आपको सम दिया जाएगा 36 डिवाइड बाय 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। इसमें देखिए आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सभी एक तरह से एक साथ दिए हुए हैं एक ही सम में। तो इस सम को करने का तरीका है कि आप सबसे पहले क्या करें, डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड और ये सब्ट्रैक्शन लास्ट में करें आप। सबसे पहले करेंगे आप डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले देखिए 36 डिवाइड 6, आप 36 को 6 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 6 के टेबल में 36 कौन से नंबर पे आता है, 6 पर। डिवाइड कर चुके हैं आप, बाकी जो नंबर बचे हैं उन्हें एज इट इज़ लिख लें और उनके जो निशान हैं, साइन हैं, उनको ऐसे लिख लें। 36 को आपने 6 से डिवाइड किया, वो हुआ 6, बचा क्या हमारे पास, प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। डिवाइड के बाद हमें करना है मल्टीप्लाई। अब देखिए मल्टीप्लाई किस नंबर के बीच में हो रहा है, 3 और 2 के बीच में। 3 और 2 को 3 मल्टीप्लाई 2 किया आपने, हुआ 6, बाकी नंबर को आप एज इट इज़ लिख लें 6। ये 3 मल्टीप्लाई 2 हम कर चुके हैं, ये हुआ 6 और ये माइनस 1। मल्टीप्लाई के बाद आपको करना है ऐड। अब देखिए ऐड किस किस नंबर की हो रही है, 6 प्लस 6 हुआ 12 और बचा हुआ नंबर है माइनस, उसको एज इट इज़ लिख लें। लास्ट में करेंगे आप सब्ट्रैक्शन और ये हुआ 12 में से 1 माइनस करने के बाद आपको मिला 1। तो इसी तरह आज हम करेंगे अपनी मैथ की एक्सरसाइज 10A। देखिए फर्स्ट सम है आपके पास 28 माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4। तो इसमें देखिए आप डिवाइड नहीं है, तो आप डिवाइड को छोड़ दें और अब उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड नहीं है तो आप सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आप अपनी नोटबुक पे सम को नोट करें और देखें मल्टीप्लाई किस किस नंबर के बीच हो रही है, 3 और 5। जब आप 3 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज़ा हुआ 15, ये दोनों नंबर हम यूज़ कर चुके हैं। बचे हुए नंबर आप एज इट इज़ लिख लें, 28 माइनस और प्लस 4, ये हुआ हमारा 28 माइनस 15 प्लस 4। डिवाइड मल्टीप्लाई के बाद अब आती है एडिशन की बारी, यानी कि प्लस की बारी। ये देखिए 28 है, इसके सामने कोई भी निशान नहीं है और यहाँ पे प्लस है 4। तो जिस भी डिजिट के सामने कोई निशान नहीं होता, जो हमारी फर्स्ट डिजिट होती है, अगर उसके सामने कोई निशान नहीं है तो दैट मीन्स वो है प्लस। अगर ये माइनस की होगी तो यहाँ माइनस लगा होगा, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी निशान नहीं है तो आप उसे समझें कि वो प्लस का है। तो हमारे पास अब प्लस के दो नंबर हैं, 28 और 4, इन दोनों को आप एक साथ लिख लें, 28 प्लस 4, और बचा हुआ डिजिट है हमारे पास माइनस 15। जब आप 28 और 4 को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा 32, माइनस 15 को आप एज इट इज़ लिखें। लास्ट में आप सब्ट्रैक्शन करें और आपको मिलेगा 32 में से 15 माइनस करने पर आपको मिलेगा 17। तो आप हमेशा याद रखें, सबसे पहले आप करेंगे डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, उसके लास्ट में सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट सम है आपका 24 माइनस 8 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 4। अब देखिए इसमें प्लस नहीं है, तो सबसे पहले आपको करनी होगी डिवाइड। 8 और 2 की डिवाइड करें आप, यानी कि 2 के टेबल में 8 कौन से नंबर पर आता है, 4 पर। तो हमने 2 जब 8 को 2 से डिवाइड किया तो हमें मिला 4, बाकी बची हुई डिजिट हम एज इट इज़ लिख लेंगे। देखिए 24 माइनस, ये दोनों डिजिट हमारी यूज़ हो चुकी हैं, मल्टीप्लाई 4। डिवाइड के बाद आता है हमारा मल्टीप्लाई का नंबर। तो अब आप ध्यान से देखिए मल्टीप्लाई किस किस डिजिट की हो रही है, 4 एंड 4, 4 4 जो हुआ 16, बचा क्या हमारे पास, 24 एंड माइनस। अब मल्टीप्लाई के बाद हमारा आता है प्लस का नंबर, जो कि इसमें नहीं है, तो अब हम करेंगे माइनस। 24 में से 16 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 8। इसी तरह है हमारा नेक्स्ट सम है थर्ड। देखिए 45 माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय 2 माइनस 2। तो सबसे पहले ये देखिए इसमें प्लस नहीं है, लेकिन हमें सबसे पहले करना क्या है, डिवाइड। तो डिवाइड देखिए 16 और 2 की हो रही है, तो आप 16 और 2 की डिवाइड करें। जब 2 के टेबल में 16 कौन से नंबर पे आता है, 8 पर। बची हुई डिजिट आप एज इट इज़ लिख लें, 45 माइनस 4, ये डिजिट हम यूज़ कर चुके हैं, बचा क्या, माइनस 2।
डिवाइड के बाद नंबर आता है मल्टीप्लाई का। अब देखिए मल्टीप्लाई किस किस नंबर की हो रही है, 4 और 8, 4 8 जा 32। बची हुई डिजिट आप एज इट इज़ लिखें, 45 माइनस एंड 2 माइनस। अब देखिए जो हमारा 32 है और 2 है, इन दोनों के सामने माइनस का निशान लगा है। जब दो माइनस मिल जाते हैं तो उनकी आप करते हैं प्लस। जब आपको माइनस के दो निशान एक साथ दिख जाएं तो आप उनकी प्लस करें, और 32 और 2 को प्लस करने के बाद आपको मिलेगा 32 और 2 को प्लस करने के बाद आपको मिलेगा 34, और यहाँ पर 9 माइनस का निशान, और 45 को एज इट इज़ लिख लें। जब 45 में से आप 34 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 11, जो कि आपका फाइनल आंसर हो गया। नाउ फोर्थ सम, 7 - 10 / 15 / 3 + 1। तो देखिए इसमें सभी हैं, पहले है डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस, सभी निशान हैं एक साथ। तो सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड। जब आप 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 के टेबल में 10 कौन से नंबर पर आता है, 2 पर। 10 और 5 का आप यूज़ कर चुके हैं। ये लाइंस इसलिए लगाई हैं मैंने इनके नीचे की, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब बची हुई डिजिट को आप एज इट इज़ लिख लें, 7 - 10 और 5 को आपने डिवाइड किया तो आपको मिला 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 3 + 1, डिवाइड हम कर चुके हैं, डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लाई का नंबर। देखिए 2 * 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 6, 2 3 = 6। बची हुई डिजिट हैं 7 - 1 + अब देखिए मैंने आपको बताया था कि 7 के सामने कोई भी निशान नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस का है और ये 1 भी प्लस का है। अब आप इन दोनों को एक साथ लिखिए, 7 + 1, और बची हुई डिजिट है -6। 7 + 1 को आपने किया तो हुआ ये 8, और ये हुआ -6। 8 में से 6 माइनस करने पर आपको मिला 2। इस तरह है हमारा नेक्स्ट सम है फिफ्थ, 72 + 32 / 8। तो देखिए अब आपको सबसे पहले डिवाइड करना है 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 के टेबल में 32 कौन से नंबर पे आता है, 4 पर। 72 को आप एज इट इज़ लिख लें। अब हमारे पास कोई और निशान नहीं है, सिर्फ प्लस का निशान है, तो 72 + 4 करेंगे तो आपका फाइनल आंसर होगा 6। नेक्स्ट सम है हमारा सिक्स्थ सम, 8 - 0 / 5। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा, हम करेंगे डिवाइड। 0 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा हमारा 0। बची हुई डिजिट है हमारे पास -8, और कोई डिजिट नहीं है, तो 8 में से 0 माइनस करेंगे तो आपका फाइनल आंसर हुआ 8। नाउ सेवन्थ सम है आपके पास 8 * 8 - 6 * 6। तो सबसे पहले हमें करनी होती है डिवाइड, जो कि सम में नहीं है, तो हम चलेंगे सीधा मल्टीप्लाई की ओर। ये देखिए 8 * 8 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 64, ये हुआ माइनस। 6 * 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 36, 64 में से 36 को माइनस किया तो आपको मिला 28। इसी तरह आप अपना एट्थ सम है जो, वो करें। देखें 5 / 5 + 6 * 6। अब देखिए इसमें डिवाइड है, तो सबसे पहले हमें करनी होगी डिवाइड। जब आप 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस, आप इसको एज इट इज़ लिखें। तो डिवाइड के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है मल्टीप्लाई। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 36। 1 और 36 के बीच में प्लस का निशान है, तो आप 36 और 1 को प्लस करेंगे तो आपका फाइनल आंसर होगा 37। तो आज का आपका होमवर्क है, आपको एक्सरसाइज 10A के 1, 2, 9 सम्स ट्राई करने हैं। आई होप आपको सम समझ आए होंगे। सम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, और लास्ट में करें सब्ट्रैक्शन, और इस तरह से आपके लिए सम बहुत इजी हो जाएंगे। आई होप आप ये कर पाएंगे। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।